बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ इस क्लास में। आज ये हमारा 12वां लेक्चर है। 4 हफ्ते हो चुके हैं, हमने काफ़ी सारा इसमें कोर्स भी पढ़ा है। आप लोग बड़ी बाकायदगी से आप लोग अक्सर आते रहे, मेरी बातें सुनते रहे। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर कोऑपरेटिंग विद अस, और आई होप के चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। आसान सी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें मैंने आपसे की हैं, यू हैव बीन फॉलोइंग मी। ये हमारा जो कोर्स है, इसका जो कैनवस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका कैनवस है जो खासा वसी है। और मैंने आपसे बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए डेलीगेटेड लॉ, यानी जो हमारी फेडरल लेजिस्लेचर है उसने डेलीगेट कर दिया लोअर लेजिस्लेचर्स पर और हुकूमती जो दफातर हैं कि आप अपने लिए खुद कानून साजी कर लें या जाब्ता साजी कर लें, आप अपने लिए जाब्ते बना लें, कानून बना लें। तो इट वॉज मेंट टू इनफैक्ट लाइटन द बर्डन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, एंड इट वॉज ऑल्सो मेंट टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इन सो फार एज the dealings with the government servants were concerned, in so far as the stance of the government in administrative cases was concerned, in so far as the public interest in administrative cases was concerned. So it is a law with a broad spectrum, administrative law. It touches almost all departments of the government at different levels, federal level as well as provincial level. So we are mostly concerned with the provincial laws, the provincial subject, and therefore administrative law gives us an opportunity to measure the performance of the administrative machinery in a given area. So hum dekhte hain ki hamare yahan hum एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इस्तेमाल करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को गियर अप करने के लिए, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि तमाम दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन के पास बड़े इख्तियारात होते हैं और वो इन इख्तियारात को, मफरूजा ही होता है कि इन इख्तियारात को सही तौर पर इस्तेमाल करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। और आप ये भी जानते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस के द परफॉर्मेंस of the administration of a country leads to great successes for the country in different fields. Agar aapke administrative performance achhi hai to wo mulk jahan ka administration acha hai to mulk kamyabi ki taraf kadam badhata hai, badi tezi se kamyabi ki marhal tay karta hai. To administrative efficiency ka taqaza wahi baatein hain jo justice hai, जो कानून के कानून पर अमल करना है और कानून के मुताबिक एक्शन लेना है, रूल ऑफ लॉ के तकाजे पूरे करने हैं, नेचुरल जस्टिस को सामने रखना है। तो हमने पहले थ्योरेटिकली देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तारीफ देखी और उसके साथ मुंसलिक बहुत सारी बातें, जिसमें एक बात और भी थी जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का भी इख्तियार है हमारे अदालतों को और वो भी एक किस्म की मजीद कदगन है, एक किस्म की मजीद पाबंदी है एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात पर, और वो रिट्स की शक्ल में हमारी आला अदालतों को इख्तियारात हासिल हैं कि आप रिट दायर कर सकते हैं जब आप ये समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपके जो बुनियादी हकूक हैं वो दे आर बीइंग वायलेटेड, नॉट ओनली वायलेटेड दे आर बीइंग यूजर्प्ड, यूजर्प करना, छीन लेना। तो इन दिस पर्सपेक्टिव जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है और हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं, दे कैन रिव्यू एनी डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एनी एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, प्रोवाइडेड दैट there is an element of mala fide in such an action
अगर मेला फाइडी आप समझते हैं, दो लफ्ज होते हैं बोनाफाइडी और मेला फाइडी। बोनाफाइडी का मतलब होता है जायज, कानून के मुताबिक दुरुस्त, और मेला फाइडी का मतलब होता है जिसमें बदनीयती हो, जो गलत हो, जो कायदे कानून से इनराफ, जिसमें इनराफ हो। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यही चीज देखा जाता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपने अमूर को सही तौर पर अंजाम दे रही है। और अब मैंने बताया भी, आपको भी पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो अमूर की अंजामदेही जो है वो क्या है, व्हाट इज इट, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम को पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक, यानी पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो एक लार्जर एंटिटी है, एक आला तर मकसद है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट मबनी किस पर होता है, इंसाफ के तकाजों पर, जो मफाद आमा के हक में जो बात हो। तो वी डू इट फॉर इन पब्लिक, फॉर पब्लिक गुड। तो ये बातें एक तरफ थी, दूसरी तरफ इसमें नेचुरल जस्टिस भी आ गया था, रूल ऑफ लॉ भी आ गया था, और इसी तरह के दूसरे मॉरल प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं। दूसरा हिस्सा इसका जिसको हमने पहले हिस्से के बात किया, और अब बार बार मैं इसलिए दोहराता हूँ कि आपके जहन में बातें बैठ जाएं, आप इन बातों से अभी नाआशना हैं, जब बार बार हम दोहराएंगे तो आप इनसे पूरी तरह फेमिलियर हो जाएंगे। एक और बात बड़ी दिलचस्प ये है और आपके लिए अच्छी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मैदान में बहुत गुंजाइश है, फिर जब आप अमली ज़िंदगी में दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत थोड़े लोग जो हैं वकालत के पेशे में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में वो इख्तिसास हासिल किया होता है, स्पेशलाइज किया होता है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ें और इसके समझ अगर आपको आ जाए तो यू कैन बिकम ए स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लीगल प्रैक्टिशनर। फिर आपके पास बहुत केसेस आएंगे कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का केस है तो भाई इनके पास ले आ जाए, ये इन केसेस को समझते हैं और इनको इसकी प्रैक्टिस भी बढ़ी है। तो देर इज ए गैप, इसमें गैप है, ये आसान भी है समझना भी, तो आप इससे काफी फायदा उठा सकते हैं। ये मैंने बरसबील तस्करा बात कही थी ना, तो आवाज आ रही है। तो अब हम पिछले दिनों से हम जो हमने टच किए थे टॉपिक्स, वो टॉपिक्स थे सर्विस ट्राइब्यूनल था, उसके बाद ये मोहतसिब का दफ्तर था, मोहतसिब दोनों लेवल्स पर, सर्विस ट्राइब्यूनल दोनों लेवल्स पर, किन लेवल्स पर, फेडरल लेवल पर और सूबाई लेवल पर। तो इनको हमने पढ़ा, इनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ताल्लुक बनता है। जब हम सर्विस ट्राइब्यूनल का जिक्र करते हैं तो ये एक ऐसा अदारा है, अदलियाती अदारा, जिसमें महकमाती जो बेजाबतगियाँ जब होती हैं और उसमें जो लोग मुलव्वस होते हैं उनको सजाएं दी जाती हैं, तो उन सजाओं की अपील करने के लिए एक नया फोरम बनाया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका मकसद था कि लोगों को सहूलत मुहैया की जाए और कानून और कायदे के दायरे में रहकर। देखिए सहूलत, जब लीगल टर्मिनोलॉजी में सहूलत का मतलब नहीं है कि जायज या ना जायज सारी सहूलतें, नो, सहूलत का मतलब है कि जायज सहूलत विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, जो कि परमिसिव है, जो परमिसिबल लॉ जिसकी इजाजत देता है, ऐसी सहूलत। तो फिर ये बनाए गए, उसके बाद हमने मोहतसिब का जिक्र किया आपसे, आपने उसको समझा, आपको पता भी है, ये वो चीजें जो आपके इर्द गिर्द हैं। मोहतसिब का दफ्तर यहाँ भी कायम है, सूबाई लेवल का भी और फेडरल लेवल का भी, और मोहतसिब के अदारे जो हैं वो साल ब साल इनकी कारकर्दगी में खासी बेहतरी आ रही है। ये वो अदारे हैं जो अवाम में हुकूमत का एतमाद भी बहाल कर सकते हैं और करते हैं,
अगर हुकूमत अपना काम सही करे तो जाहिर है कि जो आवाम है वो उससे मुतमईन होंगे, और अगर हुकूमत की कोई गलतियां खामियां हैं तो आवाम के पास चैनल्स हैं, उनमें से ये चैनल्स मैंने अभी आपको बताए। इसके बाद जो हम आखिरी जो टॉपिक कर रहे थे, इसको मैंने आपको बताया था, नैब का कर रहे थे कि नैब एक बड़ा इम्पोर्टेंट अदारा बन गया है हमारे जो नेशनल जस्टिस सिस्टम है उसमें, नैब का भी एक अहम रोल बन गया है, क्योंकि नैब को स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है। इसलिए क्रिएट किया गया है टू कम्बैट करप्शन एट ए लार्जर लेवल, जो बड़ा लेवल है करप्शन का उसको कम्बैट, वरना देखिए ना हमारे यहाँ तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी तो है ना, वो भी तो करप्शन को डील करता है। इसी तरह कई और अदारे हैं जिन जो करप्शन को डील करते हैं, लेकिन ये जो अदारा है नैब, ये स्पेसिफिकली ये नेशनल लेवल पर करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया, जिसमें माली करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन और मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, ये इनको इसमें तकदीम हासिल है, तरजीह हासिल है। और ये अदारा जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अदारा काफ़ी अरसे से रूबा अमल है, 1999 में इसको कायम किया गया था बाय एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस 19 ऑफ द ईयर 1999। तो बाद में इसको वो किया गया, लीगलाइज किया गया। तो कैसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की इस दफा के आर्टिकल 270 ए के तहत इसको लीगल कवर दे दिया गया, बिकॉज इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इट वॉज एन ऑर्डिनेंस विच वॉज इश्यूड बाई द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। तो इसका नैब का बड़ा रोल है। मैंने आपको ये भी बताया कि नैब में बड़े हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, चेयरमैन साहब उसके बहुत ही जिम्मेदार शख्सियत होते हैं, मतलब चार चेयरमैन जो पहले आए नैब में वो फौजी थे, जिनमें से दो जो थे वो नेवी के कमांडर्स थे, हमारे यहाँ एडमिरल्स थे नेवी के, एडमिरल जकाउल्ला, एडमिरल फसी बुखारी, और दो जो थे लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, एक का नाम सैयद अमजद था और दूसरे का नाम था शाहिद अजीज। तो ये चार बड़े बड़े अफसरान आर्मी से, इससे जाहिर होता है कि नैब के बारे में हुकूमत कितनी संजीदा है, जो ऐसे करियर, लाइफ करियर जिनके हैं ऐसे अदारों में, और जिनका नेक नाम, जो नेक नाम लोग थे उनको लगाया गया। फिर दो उसके बाद सिविल सर्वेंट आए, एक सिविल सर्वेंट थे उनका नाम था नवीद अहसन, और एक और साहब थे उनका नाम था कमर जमान चौधरी। अब पहली दफ़ा नैब की जो चेयरमैनशिप है वो अदलिया के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के को दी गई है, वो है हमारे जस्टिस जावेद इकबाल, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये बातें मैंने ये भी बताया आपको कि अखबार में दो दिन पहले नैब ने अपनी कारदगी की रिपोर्ट भी दिखाई थी कि हमने ये किया, प्ली बारगेनिंग मैंने बताया था आपको, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फार एज द नैब लॉज आर कंसर्न्ड, क्योंकि उनके ख्याल में, और आप भी सोचते हैं, हम जब आप अदालतों में जाएंगे तो आप देखिएगा जाके, आमतौर पर जो रुपए पैसे के मुकदमात होते हैं दे एंड अप इन रिकंसिलिएशन आउटसाइड द कोर्ट, बाहर मसालेत हो जाती है तो फिर अदालत में जाकर मुकदमा जो है वो ख़त्म हो जाता है, ये चेक नहीं बाउंस होते। अब मैंने एक चेक आपको दिया 50 लाख रुपए का, वो इतने पैसे मेरे बैंक में नहीं है, मैंने किसी वजह से आपको दिया कि एक मुसीबत है मेरे ऊपर, ये उधार है, कर्ज ये है, और वह चेक बाउंस हो गया, यानी उस चेक के अगेंस्ट चुके पैसे नहीं थे तो नाकाम हो गया, उसमें पैसे नहीं छुए। तो ये अब दफा 489 PPC के तहत ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो है पकड़े जाते हैं, फिर वो आपस में अदालत के बाहर उनका कोई पैचअप हो जाता है, डील हो जाता है, अदालत में जाके वो मुद्दई जो है वो कहता है जी मेरा मामला हल हो गया, मैंने गलतफहमी के तहत ये कर दिया था, जो भी कहना होता है, तो मुकदमा खारिज हो जाता है। तो सिमिलरली
कोशिश ये की गई कि अगर पैसे हमें वापस मिल जाए तो ज़रूरी है कि हम उसको मुलजिम को सजा जेल में डालें। जब पैसे मिल गए तो चलो थोड़ी बहुत जो खजल खारी वो तो हो गई, लेकिन ये है कि हमारी रिकवरी हो गई, लॉस रिकवर हो गया। तो दी बेसिक एम्फसिस एज फार एज नैब इज कंसर्न्ड इज ऑन दी रिकवरी ऑफ लॉस। कोशिश ये की जाती है कि जो गवर्नमेंट को लॉस मिल जाए, रिकवर हो जाए तो ठीक है। आप सुनते नहीं हैं लीडर्स, लीडरान कराम हमारे बयान शान देते हैं कि जी बस ठीक है आप लॉस हमारा दे दें, जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है तो कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अब ये जो नैब का कानून है, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक और कानून डिस्कस करूँगा जो हम आप करेंगे, आज करेंगे, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट कानून है। वो तमाम कवानीन जो इस सब्जेक्ट के हैं उनको मद्देनजर रखकर बनाया गया है, एंड इट इज़ नोन एज द पीडा एक्ट। तो ये तो आपको पता है ना कि एक्ट के और ऑर्डिनेंस के दरमियान क्या फ़र्क होता है। एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट पास करती है और वो किसी ख़ास मौजू पर एक्ट जो है वो लेजिस्लेट किया जाता है, और ऑर्डिनेंस जो है वो एक किस्म का कुसाई जुडिशल या कुसाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है जो सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी किया जाता है, और वो किसी ख़ास सिचुएशन को मीट विद करने के लिए जारी किया जाता है ऑर्डिनेंस। जैसे एक ऑर्डिनेंस बड़े अरसे तक चलता रहा, वो कहते 1365 नाजायज़ असलाह किसी के पास बरामद होता था तो उसको 1365 ऑर्डिनेंस के तहत उस पर लगता था। बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस बहुत अरसे तक चलते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस को उसमें जो कानून साज असम्बलियाँ हैं उनमें पेश करके उनको एक्ट में तब्दील कर लिया जाता है, और बहुत सारे ऑर्डिनेंस उसी तरह चलते रहते हैं। तो खैर, ये अकाउंटेबिलिटी का एक्ट था जो 2006 में नाफिज किया गया, और इसका जो ब्रॉड मकसद था, इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम लॉ। जैसे दवाइयाँ होती हैं ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो ये इसका मकसद था कि जो करप्शन है, जो मेगा करप्शन है, ख़ास तौर पर जो बड़ी करप्शन है सरकारी दफातर, सरकारी मुलाजमीन के वजह से होती है या जो सियासतदानों की वजह से होती है, जहाँ जहाँ जो जो आदमी जिम्मेदार अहदों पर होता है और वो अमीन होता है कौमी दौलत का, तो उसकी लापरवाही से, कौन सी लापरवाही, दानिश्ता लापरवाही से, कोई घपला होता है, कोई गबन होता है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन होता है, कोई डिफॉल्केशन होता है, तो इट इज़ एट्रीब्यूटेबल टू दैट पर्सन जिसकी गफलत से हुआ। अब गफलत दो तरह की होती है, एक दानिश्ता होती है, एक नादानिश्ता। आपने अंग्रेजी में पढ़ा है, अंग्रेजी के उसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दे शुड बी यू नो क्लैरिफाइड, वो वाजे हों। कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्या ये इसका अकाउंटेबिलिटी का, यदि करप्शन को मीट करना है, करप्शन के लिए तो लॉज भी हैं, एंटी करप्शन का लॉ जो है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है तो फिर ये करप्शन की क्या ज़रूरत थी नैब बनाने की। सवाल आपका बिल्कुल सही है, जवाब भी आपको उसको समझ आ जाएगा कि ये जो डिपार्टमेंट हैं एंटी करप्शन वगैरह के, FIA वगैरह के, इनका लेवल जो है और इनकी जो डेस्टिनेशन है वो महदूद है। जबकि नैब को उन्होंने एक बड़ा बाख्तियार ऑटोनमस बॉडी बनाया विच वुड बी हेडेड बाई ए पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी एंड ए पर्सन ऑफ हाई प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल, कि अगर उसका होगा आर्मी का बंदा होगा तो वो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का, एडमिरल के रैंक का, कमांडर के रैंक का आदमी होगा, और अगर वो सरकारी अफसर होगा तो 22वें ग्रेड का अफसर होगा। 22वें ग्रेड आपको पता है तो वो सिविल सर्विस में फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमों को दिया जाता है, जबकि सूबाई गवर्नमेंट के जो मुलाजिम होते हैं
उनकी जो आखिरी डेस्टिनेशन होती है ग्रेड की वो 21 होती है। ये भी आपको पता है कि ग्रेड्स जो है सरकारी मुलाजमों को जो तनख्वाह दी जाती है, जो उनका स्टेटस है, उसको उन्होंने ग्रेडेड कर लिया है, BS1, BS2, BS3 बेसिक स्केल, BS15, BS16, और ये बेसिक स्केल BS1 से लेकर BS22 तक है। तो इसलिए फिर सियासतदान है, इनसे भी गलतियां होती हैं, बाज़ गलतियां ना दानिस्ता होती हैं, बाज़ दानिस्ता होती हैं। तो जो दानिस्ता गलती होती है वो काबिल गिरफ्त है, ना दानिस्ता में तो आपके पास उज़र होता है, आपका अपीली होता है, आप बातें कर लेते हैं कि ऐसे हो गया वो हो गया। लेकिन जो दानिस्ता है, जिसको आप, मैंने बताया था आपको, डिलीबरेट है, मेंजी, जिसमें काउंसर आ जाता है, कि जो जानबूझ के किया जाती बात की जाती है बात, वो काबिल गिरफ्त होती है अंडर द लॉ, द लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द लॉ। तो यहाँ बड़े बड़े जो गफले थे, बड़े बड़े जो मसाइल थे, साइबर क्राइम्स हैं, फिर ये कॉरपोरेशन के, यानी ये जो लॉज हैं, ये गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट के दफातर में जो, जिसको आप कहते हैं बेकायदगियाँ होती हैं, माली बेकायदगियाँ, जिसको आप फाइनेंशियल स्कैम्स कहते हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कहते हैं, इनको डील करने के लिए ये इन्होंने नैब बनाया था। अब जो पीडा है उसकी तरफ हम आते हैं, तो मैं इसका, जब पीडा का लफ्ज ही आप पढ़ लें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मुखफ्फफ होते हैं ना लफ्ज, जो एक एक कैपिटल से बनाए जाते हैं तखफीफ करके, जैसे वापडा है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, DCA डिप्टी कमिश्नर, AC असिस्टेंट कमिश्नर, B बोर्ड ऑफ FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जो है एब्रीविएशन है। अंग्रेजी में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्रोनिम, एक्रोनिम ये एब्रीविएशन को कहते हैं। तो ये पीडा भी एक एक्रोनिम है, PEEDA, जैसे वापडा एक एक्रोनिम है। तो P फॉर पंजाब, E फॉर एम्प्लॉइज, पंजाब एम्प्लॉइज, द सेकेंड E फॉर एफिशंसी, D फॉर डिसिप्लिन एंड A फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो ये बन गया कि पंजाब एम्प्लॉइज एफिशंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, ये पार्लियामेंट ने पास किया है। और ये क्यों पास किया है, ये इसलिए किया, ये पार्लियामेंट नहीं, असेंबली ने पास किया, पार्लियामेंट मरकज के असेंबली को कहते हैं और नीचे की जो असेंबली है उनको आप असेंबलियां कहते हैं। पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली ने पास किया, इसका मकसद ये था कि तीन बातें जो इसके नाम में आ जाती हैं, आप जरा गौर करेंगे अगर आप, तो आपको पता लग जाएगा इनके नाम तीनों के क्या क्या चीज़ें हैं। एफिशिएंसी कहा गया, इसका उलट कर दें इनएफिशिएंसी, यानी अगर कोई इनएफिशिएंट है सरकारी मुलाजिम जो अपने चार्टर ऑफ ड्यूटीज के मुताबिक काम नहीं करता, तो ही इज लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ व्हाट यू कॉल द पीडा एक्ट। ये तो एफिशिएंसी हो गया कि आप इनएफिशिएंट हैं, यू डू नॉट परफॉर्म योर ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ योर ड्यूटीज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। आपका काम यह है कि आप 10 फाइलें रोज निकालें, आप आधी फाइल रोज निकालते हैं, तो दैट मीन्स यू आर नेग्लिजेंट एंड योर नेग्लिजेंस विल बी डीम्ड एज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये जो नेग्लिजेंस है इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाएगा कि आपकी आपकी जो गफलत है ये मुजरमाना गफलत है। तो ये मुजरमाना गफलत इज लायबल अंडर वेरियस लॉज टू बी चेक्ड। तो एक तो बात हो गया कि आप एफिशिएंसी हमारी जो है वो मकसद होता है पीडा का, कि पीडा के जरिए आपकी एफिशिएंसी अगर उससे अगर आपको फर्क है तो देन यू आर लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। दूसरी बात इसी में आपने पढ़ा डिसिप्लिन, कि एक डिसिप्लिन होता है सर्विस में कि जी आपने वक्त के मुताबिक आना है, वक्त के मुताबिक जाना है, लूज टॉक नहीं करनी है, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जो इनडिसेंट हो, कुलीग्स के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, ऑल दिस इज योर यू नो डिसिप्लिन।
discipline is the spirit which enables you to perform your duty in a proper manner, in a specific manner. जैसे आप देखें, आपके मामले में डिसिप्लिन क्या है कि आप 5 बजे तशरीफ ले आते हैं, 5 बजे मैं काम शुरू कर देता हूँ, पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, आप आराम से मुझे सुनते हैं, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है. दिस इज डिसिप्लिन. जो लोग ऐसा नहीं करते वो इनडिसिप्लिन के मुर्तकिब होते हैं. तो इस दौर में अगर आपको डिसिप्लिन की आदत पड़ जाए तो फिर आप अपनी जो अमली जिंदगी है उसमें बहुत कामयाब होते हैं. अमली जिंदगी में जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, दे ब्रिंग लॉरल नॉट ओनली टू देमसेल्व्स बट टू द नेशन. कायद आजम थे, हमारे लिए मिसाली शख्सियत हैं, वो डिसिप्लिन के बहुत पाबंद थे. उनकी जिंदगी डिसिप्लिन परसानीफाइड थी. लिहाजा क्या होता था कि वो अपने मकसद में हमेशा कामयाब होते थे. एक मुल्क दुनिया के नक्शे पे बनवाना कितना मुश्किल काम था. And he did it by the grace of God. Allah may be with us. God helps those who help themselves. So it was sheer discipline which enabled the leader, the Qaid-e-Azam, to attain his noble objective. So discipline, किसी भी उसमें discipline जो है, it is the spirit of any job, be it the job of a menial or be it the job of a respectable kind. तो डिसिप्लिन में हो गया. अब तीसरी बात जो आती है वो अकाउंटेबिलिटी है कि ये आप अकाउंटेबल हैं. अकाउंटेबल का मतलब होता है आप जवाबदेह हैं. आपसे पूछताछ इसमें हो सकती है, आपसे कहा जा सकता है कि भाई साहब ये आपने ये काम किया, आप जवाब दें. ये तो जवाबदेही है. ये इट इज इन अकॉर्डेंस विद, इट इज इन लाइन विद व्हाट, इन लाइन विद the requirements of the law also, of natural justice also. Natural justice में क्या आपने पढ़ा था कि अगर किसी से कोई गलती होती है तो आप उस गलती पर उसको सजा स्ट्रेट अवे नहीं दे सकते. आप पहले उससे उसको मौका दें कि वो अपनी पोजिशन को क्लैरिफाई करे. अगर आप उसकी पोजिशन की क्लैरिफिकेशन से मुतमईन नहीं हैं, then you can proceed against it. So this is a common, you know, आइडिया के जो अकाउंटेबिलिटी होती है, इट इज बेस्ड ऑन द डिक्टेट्स ऑफ जस्टिस. अकाउंटेबिलिटी डिक्टेटोरियल तरीके से नहीं होती. क्या हो जी, बताओ क्या किया. उससे छोटी सी गलती हो गई, आपने उसका सर जो उड़ा दिया कि ये गलती क्यों की. दिस इज नो अकाउंटेबिलिटी. तो अकाउंटेबिलिटी जिसको हम कहते हैं एहतसाब, ये लफ्ज बहुत आम है, हिसाब से बना है कि हिसाब किताब लेना या हिसाब किताब देना. तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो जाहिर है कि आपके वालदैन के सामने आप नहीं अकाउंटेबल है. आपसे पूछ सकते हैं वो कि बताओ भाई, हम आपको फीस देते हैं, आपको कॉलेज भेजते हैं, आपके तमाम जरूरियात का ख्याल करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या कामयाबी से पढ़ रहे हैं, क्या आप कामयाब हो रहे हैं अपने मकसद में. तो ये अकाउंटेबिलिटी के मुख्तलिफ लेवल्स हैं. अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल भी होती है. पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट में जवाब नहीं देते वज़रा साहबान अपने अपने महकमे की कारकर्दगी. वजीर जो मुतालिका है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर, असम्बली में खड़े होकर तकरीर नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता. मेम्बर कहते हैं बताओ जी तुमने क्या किया, बताओ जी तुमने क्या किया. दिस इज अकाउंटेबिलिटी. तो ये पीडा एक पैकेज एक्ट था जिसमें बहुत सारे एक्ट्स को मिला के उनको ख़त्म करके ये बना दिया गया. इसमें उन्होंने ब्रॉडली डेफिनेशन दी है, मकसद बताया है कि किस मकसद के लिए बनाया गया. तो मकसद है कि उन्होंने पहले बता दिया कि जी हमने गवर्नमेंट में और कॉरपोरेशंस में जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं और जिनको गवर्नमेंट चलाती है, कॉरपोरेशंस का नाम आपने सुना है ना, जैसे मिनरल कॉरपोरेशन है, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है और दूसरी कॉरपोरेशन ये जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, ये भी कॉरपोरेशन हैं. तो कॉरपोरेशन आर ऑटोनोमस बॉडीज बट दे आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर, यू नो, सुपरवाइज्ड, ओवरसीन
दे आर ओवरसीन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको चेक करती है, देखती है। तो अब आपने देखा कि ये जो अदारा बनाया गया, ये जो कानून बनाया गया, ये कॉरपोरेशन के एम्प्लाइज और गवर्नमेंट के एम्प्लाइज। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि रिटायर्ड आदमी भी, एक तो होता है ना गवर्नमेंट में जो काम कर रहा है, एक रिटायर आदमी भी, उसका भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके साथ एक प्रोवाइजो है कि हर रिटायर आदमी नहीं, कि एक आदमी रिटायर हो गया और 20 साल के बाद उसके खिलाफ कोई मुकदमा बनाया कि जी इसने ये किया। भाई 20 साल आप सो रहे थे, आप 20 साल सोते रहे कि आपको 20 साल के बाद ख्याल आया कि इस आदमी ने जब 20 साल पहले रिटायर हुआ था तो इसने ये घपला किया था। नो, दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ। द इंटेंशन ऑफ द लॉ इज डिफरेंट। एक साल रिटायरमेंट के अंदर अगर किसी की कोई गलती पकड़ी जाए, जैसे एक आदमी अब रिटायर हुआ 2019 में, तो 2019 से 2020 के अंदर उसकी कोई गलती पकड़ ली गई तो फिर उसके खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई हो सकती है। ही कैन बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ पीडा, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ पीडा। तो ये तीन बातें मैंने बताई आपको कि ये एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट सर्विस में है, एम्प्लॉयज जो कॉरपोरेशन सर्विस में है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जो रिटायरमेंट है उसके लिए उन्होंने वक्त मुकर्रर कर दिया कि भाई इसका वक्त है, और वक्त यह है कि एक साल के अंदर रिटायरमेंट के आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती हैं। अब इसी कानून में कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपके गोशे गुजार करूँगा। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आप आते हैं, आप तकलीफ करते हैं, बच्चियाँ ख़ास तौर पर अपने कामों को मुअत्तल करती हैं, सुनती हैं। इट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल, और उम्मीद है कि आप इससे सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आपको फ़ायदा भी हो रहा है। एंड आई श्योर यू कि वी वुड गो ऑल आउट टू फैसिलिटेट यू। हम आपकी बात, लोगों को जो परेशानी आ रही है हाजिरी के सिलसिले में, उसके बारे में भी मैं खासतौर पर बड़ा माइंडफुल हूँ, और मैंने चेयरपर्सन साहब से बात की है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको, आपकी मदद करने की, ताकि गैर जरूरी तौर पर ये ना हो कि आपको इम्तहान में ना बैठने दिया जाए, आपके लेक्चर शॉर्ट हो। हमारी कोशिश होगी कि आपको मदद की जाए। बस आप सिर्फ ये कि थोड़ा सा डिसिप्लिन ऑब्जर्व करें, आपस में बड़े ख्याल से एक दूसरे के साथ डील करें, और लेक्चर्स को आप अटेंड करते रहें। कुछ ना कुछ आपको तो देख फायदा हो रहा है ना बैठ कर। हमें भी है कि हम तैयारी करते हैं, हम आपके सामने पेश होना होता है, हम सुबह से उसमें पढ़ते होते हैं, सारा कुछ बताते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हम आपको किताब में नहीं लिखी होती हैं, अपने तजुर्बे से बताते हैं, आप उनको सुनते हैं। हमें तो ये भी देखिए, हमारा इस ग्रुप का ये भी बड़ा एजाज है कि इसमें दो बच्ची हैं जो हैं वो अमरीका में बैठी हुई हैं, एंड दे आर हेयरिंग अवर लेक्चर एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग टू अवर लेक्चर्स। ये कितनी अच्छी बात है। तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट कि इन लोगों को, फिर कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके घर वाले उनके बारे में मुतफक्किर होते हैं, जब मुझे पता लगता है मैं बड़ा खुश होता हूँ कि उनको इतना ख्याल है। आपके वालदैन जब हमसे पूछते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि दे आर सो माइंडफुल अबाउट यू। तो कुछ ये है कि आप भी अपने बारे में माइंडफुल हों, अब इससे फ़ायदा उठाएं इन बातों से, आप इसको पढ़ें। ये सिचुएशन ऐसी हो गई अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज तो अब तक आपके कोर्स ख़त्म हो गए, आपने पास भी हो गए होते। तो एनी वे, अभी इंशाल्लाह आप पास होंगे सारे के सारे, प्रोवाइडेड देयर के थोड़ी सी आप केयर करें। आपकी ये जो हाजिरी का मसला है, ये मेरे एक्टिव उसमें ध्यान में है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज बेस्ट एज आई कैन। इसलिए आप परेशान हो, उन बच्चों को भी बता दें जो बेकरार रहते हैं, हाजिरी के लिए भेजते हैं, अपना रोल नंबर भेजते हैं बाद में, डजंट मैटर, वी विल सॉर्ट इट आउट। एक आखिरी बात यह है कि इसमें जो फिर इसको, हम इसको आइंदा मंडे को फिर जारी रखेंगे, कि पीडा में जो तीन बातें मैंने बताई थी, चौथा यह था कि ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स एंड पेनल्टी, ये मैं अगली दफ़ा आपको फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। आई वंस अगेन आई थैंक यू एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू।
कौन था गलती से कोई आ गया।